आयुर्वेद और आदत के प्रायोजक है ए के विजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएपी आवाज का खास कार्यक्रम आयुर्वेद और आदत। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। होम्योपैथिक एक ऐसा इलाज है जो लंबे समय तक तो चलता है लेकिन लोगों की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, इसलिए लोग इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि वो लोग होम्योपैथिक के जरिए ही अपनी समस्या का समाधान निकाले। आज हमारे साथ हैं प्रतिभा, होम्योपैथिक क्लिनिक की डॉक्टर। डॉक्टर प्रतिभा जी, आइए स्वागत करते हैं उनका। मैम स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक का जो इलाज है मैम काफी लंबे समय तक चलता है, जो दवाइयां होती है उनको भी समय समय पर लेना पड़ता है, तो क्या समय होता है होम्योपैथिक की दवाइयों को लेने का? एक्चुअली पहला क्वेश्चन आपका ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन काफी लंबा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी का। पहली बात है, इट इज अ मिथ, इट इज नॉट करेक्ट, ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअली आपके डिसीज पे डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रॉब्लम एक्यूट है तो डेफिनेटली इट विल नॉट टेक मच टाइम, तो थोड़े टाइम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक है, लाइक इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन और डायबिटीज सिंस 10 ईयर्स, तो अगर 10 ईयर्स की प्रॉब्लम है तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट, यू हैव टू गिव 1 to 2 ईयर्स टू द ट्रीटमेंट। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिसीज, इट इज नॉट दैट होम्योपैथी इज स्लो, होम्योपैथी इज वेरी फास्ट। जी मैम, वही अगर दवाइयों की बात कर रहे हैं तो दवाइयों का क्या समय होता है, कैसे कैसे दवाइयाँ लेनी चाहिए? ये भी आपकी डिसीज पे डिपेंड करता है, प्लस पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम इंटेंस है या एक्यूट है तो हम उसको फ्रीक्वेंट रेपिटेशंस में देते हैं, लाइक वी कैन से कि एवरी 2 आवर्स ही पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक है तो जनरली हम TDS देते हैं, लाइक 3 times a day हम प्रिस्क्राइब करते हैं। मैम बात करूं, जो हमारी जो लेडीज़ होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको भी काफ़ी समस्या होती हैं और कहते हैं कि उनको भी होम्योपैथिक की दवाई जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैम ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिसका समाधान जो है होम्योपैथिक दवाई निकाल सकती है? नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज जनरली लोगों में अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि हम जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको एलोपैथिक डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप एलोपैथिक मेडिसिन मत खाओ, बिकॉज यू नेवर नो कि फीटस को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट इन दोज केसेस जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो होम्योपैथिक मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी यू नो रिस्क फैक्टर वो ले सकती हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लाइक वाटर ब्रैश, लाइक एसिडिटी होना, इट इज़ वेरी कॉमन, स्टमक एक्स होना, कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर लेती हैं लेडीज, पाइल्स की प्रॉब्लम होता है, और जनरली काफ़ी लाइक इन थर्ड ट्रिमेस्टर, लाइक लेट 3 months में UTI is very common in females. तो उसके लिए भी we have many medicines. Any problem, like you name it, like hypertension develop कर लेती हैं ladies, या thyroid की problems होती है, तो without any risk you can give homeopathic medicines to those. मैम बात करूं एनीमिया की, जो ये जो बीमारी है मैम वो महिलाओं में काफी पाई जा रही है, तो क्या इसका समाधान भी होम्योपैथिक की दवाई जो है वो दे रही है? डेफिनेटली, देखो हर डिसीज का दो उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज मैनेजमेंट पार्ट एंड सेकेंड इज द ट्रीटमेंट पार्ट। तो एनीमिया इट्सेल्फ इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ डाइटरी फैक्टर्स। अब अगर लेडी प्रॉपर डाइट नहीं लेंगी, प्रॉपर आयरन इनटेक नहीं करेंगी, दे टेंड टू डेवलप एनीमिया बिकॉज दे ब्लीड एवरी मंथ, ठीक है, उनकी ब्लीडिंग की वजह से बॉडी में से ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से एनीमिया डेवलप होना कॉमन है। ठीक है, तो दे नीड टू टेक लॉट ऑफ आयरन, लाइक बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट भी वो ले सकती हैं, लाइक आप अगर उनको बोलो चुकंदर वो खाएं, लाइक अनार वो खाएं अपने डाइट के अंदर, कैरेट्स इंक्लूड करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, डाइट का भी ध्यान करें, प्लस वी हैव सो मेनी मेडिसिन विच आर वेरी गुड फॉर एनीमिया। प्लस क्या होता है, सम लेडी हैज टेंडेंसी टू डेवलप एनीमिया, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होता है पेशेंट के अंदर, होम्योपैथिक मेडिसिन उसको भी करेक्ट कर देती है। लाइक सम पीपल दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स बट उनका हीमोग्लोबिन लो ही रहता है जी। आप सप्लीमेंट देते हो वो इम्प्रूव करता है विद 1 or 2 months, फिर वो वापस से लो आ जाता है, तो वो टेंडेंसी भी इम्प्रूव कर देती है होम्योपैथिक मेडिसिन। मैम जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बीमारियां भी लगातार लोगों को आनी स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे लोग कैसे बचाव करें जिससे वो बीमारियों से दूर रहे बदलते मौसम के दौरान? नहीं, आपने ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये तो चलता ही रहेगा बिकॉज वेदर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, क्यों हम लाइक वी आर ह्यूमंस, वी आर ससेप्टेबल टू आर एनवायरमेंट, लाइक
कोल्ड हो गया, लाइक वो हो गया, बहुत हार्श समर्स हो गया, विंटर्स हो गया, है ना, तो वी आर ससेप्टेबल टू दैट. तो एक नॉर्मल जो एक जनरल प्रिकॉशंस होता है कि यू हैव टू कवर योरसेल्फ, विंटर्स हैं तो अपने आपको ढक के रखो, समर्स हैं तो यू हैव टू टेक लॉट ऑफ फ्रूट जूसेस, लॉट ऑफ हाइड्रेटिंग थिंग्स, तो ये एक नॉर्मल मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा. बट इन होम्योपैथी इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम, जैसे काफी लोगों के क्या चेंज ऑफ सीजन में एलर्जीज हो जाती हैं, है ना, कफ एंड कोल्ड बहुत ज्यादा होता है, तो उन केसेस में भी है पर्टिकुलर मेडिसिंस फॉर दोज पीपल हु आर ससेप्टेबल टू चेंज ऑफ सीजंस. आगे मैम बात करती हूँ, जैसे तनाव भरी जिंदगी हो चुकी है मैम, लोगों के सर में बहुत ज्यादा पेन रहने लग गया है, माइग्रेन की ही बात करूं मैम, माइग्रेन आजकल लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे में होम्योपैथिक कैसे इलाज करता है? देखो जो भी आपने प्रॉब्लम्स बोला, आपका तनाव आपने बोला बढ़ गया है, स्ट्रेस फैक्टर, सिर्फ एक माइग्रेन ही नहीं, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू नेम इट, लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड प्रॉब्लम, द लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो स्ट्रेस की वजह से हो रही है. तो एक तो पेशेंट को हमें गाइड करना चाहिए कि दे शुड हैव दैट स्ट्रेस मैनेजमेंट. देखो स्ट्रेस आपको भी है, हमको भी, एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, बट आपको मैनेज कैसे करना है दैट इज इम्पॉर्टेंट. कि जैसे अब लाइक पेशेंट्स आते हैं, when we ask their history, तो हमें पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन के साथ काउंसलिंग काफी एक बड़ा रोल प्ले करती है. तो वी हैव मेडिसिन ऑल्सो, कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद काफी, जैसे अब पेशेंट्स होते हैं अभी सी इन आर ओपीडी, मैम बहुत गुस्सा आता था, बट जब से आपकी मेडिसिन अब गुस्सा ही नहीं आता, सिचुएशन इज सेम बट द रिएक्शन हैज चेंज्ड, तो वी हैव मेडिसिन फॉर दैट ऑल्सो. डॉक्टर प्रतिभा से हमारी बात ऐसे ही जारी रहेगी, चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर. आयुर्वेद और आदत के प्रायोजक है ए के विजन, आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान. एग्जॉटिक कार्ड, इंपीरियर वेडिंग, स्नेह भरा ममता, इंडियाज नंबर वन बासमती राइस बिंगासा. बिकिबा स्वागत है आपका, चलिए दोबारा चलते हैं डॉक्टर प्रतिभा जी से बात करते हैं. मैम होम्योपैथिक जब हम लोग बात ही कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि होम्योपैथिक जो इलाज है वो लोग क्यों कराएं, क्या क्या ऐसी अलग चीजें हैं एलोपैथिक और होम्योपैथिक में? अगर वो ठीक होना चाहते हैं तो उनको होम्योपैथिक इलाज ही कराना चाहिए. अब मैं इसका रीज़न आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारी मेडिसिन सिम्टम बेस्ड नहीं होती. जैसे अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा जी आपको ये साइनस की प्रॉब्लम, आप ENT के पास जाइए, जी आपको ये जॉइंट की प्रॉब्लम, आप ऑर्थोपेडिक के पास जाइए. होम्योपैथिक डॉक्टर बिलीव करता है कि बीमारियाँ अलग अलग नहीं होती हैं, बीमारियाँ एक इंसान को होती हैं, वो इंसान बीमार है इसलिए उसको बीमारियां हैं. तो हम बिलीव करते हैं टू क्योर द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है, तो उसके लिए हम उसके मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम, उसकी पूरी जर्नी, उसकी फैमिली हिस्ट्री, हम पूरी चीजें पूछते हैं जी. जिसके बाद पेशेंट का इन टोटालिटी ट्रीटमेंट होता है और फिर वो चीजें रिलैप्स नहीं होती जी. जैसे जनरली आप देखेंगे अगर थायराइड की मेडिसिन है आपको पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, डायबिटीज की टैबलेट्स आपको लाइफ लॉन्ग लेनी, बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, ठीक हो जाता है बिल्कुल, वन ईयर टू ईयर लगेगा बट आपकी प्रॉब्लम कम्प्लीटली, और आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेने की जरूरत नहीं है जी. तो इट इज दैट फास्ट. अगर आप कह रहे स्लो होती है, आप एक बात बताए जो लाइफ लॉन्ग खाएगा 40 ईयर्स या 50 ईयर्स और वो 2 साल में अगर ट्रीट हो जाता है, तो स्लो हुआ या फास्ट हुआ? बिल्कुल फास्ट हुआ ना. तो होम्योपैथी इज सो फास्ट. क्रॉनिक प्रॉब्लम है, इट विल टेक टाइम, बट वो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी. समटाइम्स क्या होता है एलोपैथिक मेडिसिन ये लिया, अब डॉक्टर साहब अब एसिडिटी डेवलप हो गई जी. हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. अगर आप हमारी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हो सकता है 3-4 प्रॉब्लम ठीक और हो जाए बिल्कुल, बट उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे जी. मैम महिलाओं की अगर समस्याओं की बात करें, कई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है एलोपैथिक लेने से, कहते हैं कि फ्यूचर में उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसी कौन कौन सी महिलाओं से रिलेटेड बीमारी है जिसका होम्योपैथिक जो इलाज है वो काफ़ी सेफ है?
देखो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, काफ़ी यंग गर्ल्स में आप देखना होगा कि काफ़ी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स में बहुत दर्द होता है. डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं? दे एडवाइस कि आप मेफ्टल स्पास ले लो जी, या उनकी जो भी हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि इन लॉन्गर रन उनको और साइड इफेक्ट्स देती हैं, लाइक PCOS की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, एक्ने इशूज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज दे आर सो स्ट्रॉन्ग. बट होम्योपैथिक हैज़ वेरी गुड मेडिसिन रिलेटिंग टू मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम. पीरियड्स का ज़्यादा आना, हैवी आना, पेनफुल आना, है ना, 15 डेज 20 डेज पीरियड्स चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, है ना, या पीरियड्स कैंटी हैं, कम आ रहे हैं, पहले अच्छे होते थे अब कम हो गए हैं जी. ये सारी प्रॉब्लम, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, बैक एक डेवलप हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फीमेल की, ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, PMS है, पीरियड से पहले काफ़ी हार्मोनल इशू होना, चिड़चिड़ा होना, ब्रेस्ट में पेन, बॉडी पेन, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका इलाज इतना ब्यूटीफुल है, लाइक आप कुछ ही महीनों तक आप मेडिसिन लेंगे उसके बाद की प्रॉब्लम आ गई आपको सफ़र ही नहीं करनी पड़ेंगी जी. मैम जब एलोपैथिक, जब हम लोग लेते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ जब लेते हैं तो डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि नहीं आपको ये नहीं खाना, आप ये ही खा सकते हो, आपको दलिया ही खाना है, क्या होम्योपैथिक के दौरान भी हमें खान पान का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, इतने प्रिकॉशंस नहीं हैं जी, बट डेफिनेटली हम कुछ स्टिमुलेंट्स को अवॉइड करने को बोलते हैं जी. जैसे कुछ केसेस में हम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी या डार्क चॉकलेट्स या अल्कोहल या इन तरह की चीज़ों को मना करते हैं, और अगर ऑब्वियसली पेशेंट अगर हाइपरटेंसिव है तो हम उनको बोलेंगे ना कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन तो आपको करना है, अगर डायबिटिक है तो आपको शुगर इनटेक कम करना है. तो ये बेसिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम उनको जंक या ज़्यादा स्पाइसी के लिए अवॉइड करेंगे. तो एक नॉर्मल प्रिकॉशन है, नथिंग मोर देन दैट, कि बस ये है कि जब मेडिसिन लेते हैं तो 15 मिनट्स पहले और बाद में यू शुड अवॉइड ईटिंग फूड, क्योंकि आर मेडिसिन एक्ट फ्रॉम द टंग थ्रू द नर्व्स, तो टंग शुड बी क्लीन. मैम अब हम आपके बारे में यानी डॉक्टर प्रतिभा के बारे में जानना चाहेंगे कि वो कितने टाइम से होम्योपैथी के जरिए लोगों को ठीक कर रही हैं. सी आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 11 इयर्स, तो 11 इयर्स से मेरा अपना पर्सनल क्लिनिक है, आई हैव टू क्लिनिक्स, एक वन इज इन टैगोर गार्डन जी, वो इवनिंग ओपीडी है मेरी, और वन इज इन सीतापुरी दैट इज नियर जनकपुरी. तो मैं तभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आई थिंक सो आई कांट टेल यू कि हाउ मेनी पेशेंट आई हैव सीन, बिकॉज आई हैव सीन मेनी पेशेंट थ्रू आउट माई प्रैक्टिस. मैम इसी के बारे में ही क्यों सोचा, होम्योपैथिक डॉक्टर के बारे में बनना ही क्यों सोचा आपने? देखो ऐसा नहीं है, जब आप क्वालिफाई करते हो 12th यू डेफिनेटली गिव एग्जाम फॉर MBBS एंड ऑल, बट आई ऑप्टेड फॉर दिस होम्योपैथी. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव द एडमिशन इन होम्योपैथी, बट आफ्टर हैविंग एडमिशन इन होम्योपैथी आई वॉज सो हैप्पी, एंड राइट नाउ आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव ऑप्टेड फॉर होम्योपैथी. इट्स सच अ ब्यूटिफुल साइंस, इट हैज नो लिमिट्स, the you know the sky is unlimited, you can you know have any treatment for any kind of disease, so I'm blessed for that. जी मैम आपके पूरे सफ़र की बात करूँ तो इस सफ़र में कोई ऐसा पेशेंट आपके दिमाग में अभी भी है जिनके इलाज में आपको थोड़ी परेशानी आई हो और काफ़ी कठिनाइयों का सामना उनके दौरान आपको करना हो? देखो हर केस एक डिफरेंट केस है. वैसे भी जैसे अब एलोपैथिक की बात करें, एलोपैथिक की स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको एंटीबायोटिक्स, हमारा हर केस एक डिफरेंट केस है. अगर एक कोल्ड का केस भी आएगा तो वो एवरी सेकेंड कोल्ड इज़ ऑल्सो डिफरेंट, मुझे सेकेंड कोल्ड के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जी. तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, लाइक आप अगर होम्योपैथी डॉक्टर से कभी आप मिले भी हैं तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके स्वभाव के बारे में पूछते हैं, आपके खान पीन के बारे में पूछते हैं, आपकी हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं. तो हर केस एक डिफरेंट केस है और हर केस आपको कुछ सिखाता है, वो अपनी आपको जर्नी बताते हैं, उनकी अपने स्ट्रेस बताते हैं जी. तो रीजंस बताते हैं कि आप भी इवॉल्व करते हो पेशेंट के साथ, आपको भी समझ आता है कि ये लाइक पेशेंट क्या क्या स्ट्रेसेस के बाद क्या क्या चीज़ें डेवलप करता है. ऐसे बहुत पेशेंट रहे हैं जिनकी प्रॉब्लम काफ़ी इंट्रिकेट थी, जिन पे आपको बार बार मेहनत करनी पड़ती है, आपको उनको केस रिव्यू करना पड़ता है, बट अगर आप मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है जी. मैम आखिर में मैं MMPV आवाज़ के दर्शक खासकर महिला दर्शकों के लिए आपसे संदेश चाहूँगी कि वो खुद को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे खुद का ध्यान रखें. देखिए इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक तो फिज़िकल फैक्टर्स होते हैं, लाइक आप अपने खान पीन का ध्यान रखें, अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, है ना जी. एक दूसरा आस्पेक्ट है वो है मेंटल आस्पेक्ट, जिस पे थोड़ा लोग कम ध्यान देते हैं. अब लेडी है, पूरा दिन थक रही है, स्ट्रेस भी ले रही है, मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, सिस्टर इन लॉ ने कुछ बोल दिया, दिमाग में सोचती रहती है जी, है ना जी. इस पे कोई ध्यान नहीं देता कि उसको स्ट्रेस कितना है. बट आई वुड से कि
जितनी भी लेडीज हैं उनको अपना स्ट्रेस कम करना चाहिए. और काफी जो हाउस वाइफ है वो ये सोचती है अरे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, इतनी सारी मेरी वो फ्रेंड अब ये बन गई है वो. डोंट स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, यू आर बेस्ट बिकॉज यू आर हाउस वाइफ, दैट डज नॉट मीन यू डज नॉट वर्क. आप घर संभालिए बहुत बड़ा काम है. आपको अपने आप को इन्फीरियर सोचने की जरूरत नहीं है. जहाँ भी हैं आप इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अपनी इम्पॉर्टेंस समझिए, अपनी कदर कीजिए. आई थिंक सो इससे बड़ी एक होता है ना एडवाइस मैं उनको नहीं दे सकती. थैंक यू सो मच मैम. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रतिभा जी. आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम आयुर्वेद और आदत. बने रहिए एमएमपीबी आवाज के साथ.